दिस इज सिमरीन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पार्ट शालाई होपीपल आर डूंग वेल एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों का एम सी ओ थ्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि पेपर आपका डिफिकल्ट नहीं था एंड जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे वो पूरा पेपर आपको उस उसमें से देखने को मिल गया तो जिन भी स्टूडेंट्स ने उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सीरियसली फॉलो किया होगा आई गेस उन सभी लोगों का पेपर काफी अच्छा हुआ होगा एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे ठीक है तो यहाँ पर टोटल आपको फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा दैट एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन द एरिया ऑफ बिजनेस रिसर्च तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है ठीक है तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था और ये मैंने अपनी पी में भी आपको प्रोवाइड किया था चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको उसको दिखा भी सकती हूँ और मेरी पी में भी ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था ठीक है वट इज द रिलेशनशिप ऑफ रिसर्च टू वेरियस फंशक्ल एरियज ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च रिलीवेंट टू बिजनेस रिसर्च ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट डू यू मीन बाई रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस वीरियस ऑफ रिसर्च एंड पॉइंट टू बी कंसिडर्ड तो मैंने आप लोग को हमेशा बताया था कि रिसर्च प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च रिपोर्ट इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला और ये क्वेश्चन सेम मैंने आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया था और वो कोइंसिडेंटली मेरी पी डी एफ में भी वो सेकेंड क्वेश्चन है

सी वाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स आपसे आगे क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया था ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस स्केल इन टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट एंड गिव एग्जाम्पल्स और मैंने अपने पी में आपको सभी के एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड किए थे सो आई गेस आपने ये तीनों क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिल पे कर लिए होंगे चल दे हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल एडिटिंग एंड कोडिंग द रिसर्च डेटा नेक्स्ट पार्ट है वट यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विद ईच एग्जांपल ठीक है तो ये क्वेश्चन मेरी पीडीएफ में नहीं था बट ये ईजी क्वेश्चन है ये ईजी टॉपिक है अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने इसको डेफिनेटली कर लिया होगा अगर आप पी के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे तो हो सकता है कि आपने ये अटैम्प्ट नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर्स एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एर एनकाउंटर इन द बिजनेस रिसर्च तो सैम्पलिंग एर पे भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ था ठीक है ओके okay. सो so यहां पर हमारा सैम्पलिंग एरर का एक क्वेश्चन था लेटमी सी वेयर इट इज राइट सो अवर सैम्पलिंग क्वेश्चन इज या

ठीक है नी डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाई टी डिस्ट्रीब्यूशन टू सेटअप कॉन्फिडेंस इंटरवल टू पॉपुलेशन मीन नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन फिटिंग बायोनोमिनल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं मानती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पहले से इस सब्जेक्ट को पढ़े होंगे तो शायद उन्होंने यह क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा वरना मैक्सिमम स्टूडेंट ने यह सिक्स क्वेश्चन छोड़ा होगा उसका रीजन ये है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा होगा और प्लस यहाँ पे जो पॉइंट पौ, बाय पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स को आता रहा हो बट ये टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं आता रहा होगा इस वजह से आपने इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा बट कोई बात नहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा वट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल इन द डेटा एक्सप्लेन द लॉजिकल मेथड ऑफ जनरलाइजेशन तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अपनी पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ था

तो यहाँ पर जो इजली अटेम्प्ट किया जा सकता था वो था आपका रिसर्च डिजाइन जो कि मैंने हमेशा से बताया इंपॉर्टेंट है सेंसेस वर्सेस सैम्पलिंग ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पे स्क्यूनेस कर सकते थे एंड जजमेंट सैंपलिंग जो आपको मेरी पी में देखने को मिल गए होंगे सी मैं आपको दिखाती हूँ देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया था मेथड्स ऑफ क्वेश्चनिंग क्योंकि सारे ही मेथड अपने में इंपॉर्टेंट और मैंने ये बताया भी था कि हर एक मेथड को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी मेथड आपसे पूछ सकते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा गया जजमेंट सैम्पलिंग स्क्यूनेस ऑफ डेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिसर्च डिजाइन आया और आपसे एक डिफरेंस पूछा गया शॉर्ट नोट्स में एंड के बीच में ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आप पूरा बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे तो ऑल आपको पांच क्वेश्चन करने थे तो वन क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो सकता था सेकेंड यहाँ से ठीक है एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सो ईजली इस को सॉल्व करने के बाद आपको पूरा पेपर एग्जामिनेशन में देखने को मिल गया सो आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छा पेपर किया होगा एंड आई विश कि आगे आने वाले पेपर्स भी आपको इसी तरीके से पी में मिलते रहे ताकि आपका पेपर्स अच्छे हो जाए ठीक है जिनको भी कंफ्यूजन है कि पेपर्स कहाँ मिलेंगे ये पीडीएफ कहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल है जिन्होंने अब तक नहीं ज्वाइन किया है डू ज्वाइन इट इग्नू स्क्वाड ठीक है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जितनी भी पी डी एफ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लस जितने भी सेशंस मैंने youtube पे लिए उनकी मैंने सभी की मर्ज पीडीएफ्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है आपकी फिजिबिलिटी के लिए ताकि आपको इजीली एक ही जगह पर पीडीएफ सारी मिल जाएं ठीक है तो आप उनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं तो इसका फायदा जरूर उठाइए ठीक है चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टे हेल्दी स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ओवर एग्जामिनेशन